तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आरएस टॉक चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निधि भानुशाली के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जो हमारी निधि भानुशाली है, यानी कि जो हमारी सोनू का कैरेक्टर निभाया करती थी एक टाइम पे, वो फिर से शो में कब आएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जो हमारी निधि भानुशाली है वह हमें शो में फिर से देखने के लिए नजर आएंगी। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जो हमारी निधि भानुशाली है उनका शो का छोड़ने का जो रीजन था वो उनकी पढ़ाई थी। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि जो हमारी निधि भानुशाली है उनको बीए कंप्लीट करना था या शायद ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था, इसीलिए उन्होंने शो को छोड़ दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जो उनका जो पढ़ाई है वह अफेक्ट हो। और एक टाइम पे अफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि शूटिंग की जो टाइमिंग थी वह काफी ज्यादा होती थी, लेकिन जो हमारी निधि भानुशाली है वह शो के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती थी क्योंकि उनको स्टडी करना होता था। और बहुत सारे लोगों का इसीलिए ये मानना था कि जो हमारी निधि भानुशाली है, जब उनका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, जब वह पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, जब उनको डिग्री वगैरह मिल जाएगी, तो जो हमारी निधि भानुशाली है वह हमें शो में देखने के लिए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, जो अब हमारी निधि भानुशाली है वह काफी ज़रा बड़ी हो चुकी है, वह पहले की तरह बच्ची तो रही नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से लोगों को लगता था कि वह शो में हमें वापस देखने के लिए नजर आएंगी, सोनू के कैरेक्टर में हमें नजर आएंगी, जो हमारी पलक सिद्धवानी है जो अभी करंट में सोनू का प्ले कर रही है, रोल प्ले कर रही है, उनको हटा दिया जाएगा, वह सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे आई है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन जो हमारी निधि भानुशाली है, अब उनकी पढ़ाई वगैरह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, काफी जरा वह बड़ी भी हो चुकी है, लेकिन हमें ऐसी कोई भी न्यूज नहीं मिली है या सोर्सेज से ये बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि जो हमारी निधि भानुशाली है वह हमें फिर से शो में नजर आएंगी। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि अब उन्होंने मन बना रखा है कि वह शो में अब नहीं आना चाहती है। इसका एक और रीजन ये भी है कि जो हमारी निधि भानुशाली है उनके काफी ज्यादा फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर, और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी चालू किया है, जहाँ पे अपना सफर वगैरह करती हैं, जहाँ पे वह विजिट करती हैं, उसे आप ब्लॉगिंग वगैरह भी कह सकते हैं एक तरीके से, जहाँ पे जाते हैं तो उनका फोटोज वीडियोज डालना उस तरीके का वह काम कर रही है। तो वह उसी में खुश है, वह अभी पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहती है, ट्रेवल करना चाहती है बेसिकली, तो वो उनका शौक है। बाकी दोस्तों, आप इससे नाराज हुए कि नहीं कि आपको निधि भानुशाली शो में तो एटलीस्ट कभी भी नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।